दोस्तों, आज की दुनिया काफी मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन जब इस मॉडर्न लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिलता है जो आज की हर सुख सुविधा से, मॉडर्न लाइफ से, खान पान से और रहन सहन से, हर चीज से मीलों की दूरी बनाकर रहते हैं, तो जानकर मजा आता है। आइए आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी कम्युनिटीज से मिलवाने वाले हैं जो हर चीज में एकदम निराली है। कोई अपनी कम आबादी के लिए जाना जाता है तो कोई अपने रहन सहन से, वहीं कोई हुलिये से इतना खतरनाक है कि देखते ही पसीने छूट जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, ट्रिस्टन द कुन्हा। भाई, दुनिया से खुद को एकदम अलग रखने वाली इन कम्युनिटीज की लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिस्टन द कुन्हा की, जिसे वॉल्केनो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ रहती है एक ऐसी कम्युनिटी जो न केवल दुनिया से अलग रहती है बल्कि खुद की एक अलग भाषा बोलती है। यहाँ रहने वाले निवासियों को ट्रिस्टेनियन कहा जाता है। वैसे खैर, इस आइलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन साउथ अफ्रीकन, अमेरिकन स्कॉटिश, सेंट हेलेना, डेटलाइन और आयरिश लैंग्वेज के शब्दों के साथ ये लोग अपनी एक अलग भाषा का यूज़ करते हैं। ये आइलैंड दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लगभग 2787 किलोमीटर दूर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस आइलैंड पर रहने वाली कम्युनिटी के लोगों की आबादी दुनिया की सबसे कम आबादियों वाली में से एक है, जो लगभग 238 है। ये आइलैंड खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमय और दुनिया के सभी आइलैंड से अलग है। यहाँ रहने वाले निवासी फिशिंग से होने वाली कमाई से अपना घर खर्च चलाते हैं। वैसे एक बात गौर करने वाली यह है कि यहाँ कोई होटल नहीं है। घूमने जाने वालों के लिए होमस्टे की व्यवस्था होती है। वैसे यहाँ के निवासी इसे काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ के निवासियों का उद्देश्य शांति से रहना और बाकी दुनिया से अलग रहना है। नंबर 9, कोरोवाई पापुआ न्यू गिनी। अब भाई मौका है कुछ ऐसे लोगों से मिलने का जो कुछ समय पहले तक ये सोच रहे थे कि वो इस दुनिया में अकेले रह रहे हैं। बता दें, कोरोवाई को कोलफो के नाम से जाना जाता है। ये लोग दक्षिण पापुआ, हाईलैंड पापुआ के इंडोनेशियाई प्रांतों में दक्षिण पूर्वी पापुआ में रहते हैं। खबरों के अनुसार इनको 1970 में खोजा गया। तब जाकर उन लोगों को पता चला कि बाहर दुनिया में और भी लोग हैं जो उनसे काफ़ी अलग और एडवांस हैं। इनकी संख्या लगभग 4000 से 4400 तक है। ये दुनिया की सबसे अलग थलग प्रजातियों में से एक हैं जो खाकुआ नाम के डेमन को मानते हैं, जिसके अनुसार अगर किसी इंसान को ये डेमन पकड़ता है, उसे मार कर उसके मांस को खाना इनकी मान्यता होती है। यही चीज़ उनको दुनिया से अलग नहीं बनाती। बता दें, खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों पर घर बनाते हैं, वो भी करीब 150 फीट की दूरी तक। और इसी तरह इनका कल्चर भी काफ़ी पुराना है, जिससे ना बदलने की वजह से यहाँ तक पहुँचने का लंबा रास्ता भी है। क्योंकि एक तो यहाँ के जंगल बड़े पुराने हैं, ऊपर से यहाँ तक पहुँचने के बीच बाढ़ का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 8, चिम्बू स्केल्टन। भैया, अब लिस्ट में जिस समुदाय के लोगों की हम बात करने वाले हैं, उन्हें तो देखने मात्र से आपके पसीने छूट जाएं, क्योंकि ये हैं चिम्बू समुदाय, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक माना जाता है, जो पापुआ न्यू गिनी के इलाकों में रहते हैं। और ये लोग इस इलाके में करीब 400 सालों से रह रहे हैं। वैसे अगर किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से हो जाए तो लोग इनकी लड़ाई से ज़्यादा इनकी शक्ल देखकर डर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इनका हुलिया इनका हथियार है, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता है। असल में समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख से इस तरह से पेंट करते हैं कि इनका शरीर इंसान का नहीं बल्कि कंकाल नजर आता है। यहाँ के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ये हुलिया उनके दुश्मनों को डराने के काम आता है। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह से डर के भागना पड़ा। खैर, वैसे ये लोग ट्रेडिशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं और मस्त अपनी दुनिया में ज़िंदगी बिताते हैं। नंबर 7, असारो मडमैन। दोस्तों, अभी तक तो आपको कंकाल जैसी कम्युनिटी से मिलवाया था, लेकिन अब लिस्ट में जिस समुदाय का नाम आया है उनको देखकर भैया आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मिट्टी से लिपटे हुए इंसान हर किसी के खौफ से, मतलब क्या ही कहें, हर कोई डर जाता है इनसे। इस समुदाय के लोग पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहते हैं। अपने शरीर को ये लोग कुछ इस तरह से तैयार करते हैं कि बस इनका दुश्मन तो इनको देखते ही ना हार मान ले। ये जब भी शिकार या जंग के लिए निकलते हैं तो अपने शरीर पर मिट्टी लपेट लेते हैं, सफ़ेद रंग से रंग लेते हैं। वहीं सबसे भयानक होता है इनका चेहरा, जिस पर मिट्टी के मास्क लगे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लगते हैं। साथ ही अपनी उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं और ये वाकई अपने जुलिए से अपने दुश्मनों को डरा लेते हैं और हार का मज़ा चखाने में कामयाब भी होते हैं। नंबर 6, कवाहिवा ब्राज़ील। अब भाई बात हो रही दुनिया की अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में, तो इस लिस्ट में कवाहिवा कम्युनिटी कैसे पीछे हो सकती है। हालांकि ये पिछले दो खतरनाक जनजाति की तरह दिखने में भयानक नहीं है, लेकिन हाँ, लोग भी किसी आक्रामक जनजाति से कम नहीं है। ये जनजाति ब्राज़ील में अमेज़न वर्षा वन की गहराई में रहती है। आसपास की जनजातियों द्वारा इन्हें छोटे लोग या फिर लाल सिर वाले लोगों के रूप में जाना जाता है। वैसे हाल के दशकों में ब्राज़ील के अमेज़न वर्षा वन में वनों की कटाई की वजह से इन्हें खानाबदोश जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इन कम्युनिटी के लोगों को खाना और शहद इकट्ठा करने के लिए पेड़ों पर पहुंचना होता है, जिसके लिए ये लोग जटिल सीढ़ियों को अपना रास्ता बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे कावा हिवा समुदाय कम आबादी के लिए जाना जाता है, जो लगभग 30 व्यक्तियों की है। नंबर 5, हवासोपाई ग्रैंड कैनियन, USA। पिछले करीब 1000 साल से अमेरिका के उत्तरी एरिजोना के इलाके में रहने वाले हवासोपाई के लोग भी अपने अनोखे रहन सहन और दुनिया से अलग ही अंदाज बनाए रखने के चलते इस लिस्ट में शामिल है। ये कम्युनिटी उत्तरी एरिजोना के ग्रैंड कैनियन के एकदम निचले हिस्से में मौजूद है। चारों तरफ खूबसूरती से भरे इलाके में रहने वाली इस कम्युनिटी को नीले हरे पानी वाले लोगों के नाम से जाना जाता है। इस इलाके से अगर पास के रोड पर पहुंचना हो तो करीब 8 मील के कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। यह समुदाय इतना अलग थलग रहता है कि अमेरिकी पोस्टल सर्विस को अपनी सर्विस देने के लिए खच्चर का सहारा लेना पड़ता है, या फिर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है। बता दें, समुदाय के लोग गर्मियों में तो किसानी करते हैं, वहीं ठंड के मौसम में शिकार करते हैं, और खबरों के अनुसार इन लोगों की संख्या लगभग 450 के आसपास है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 और दुनिया की सबसे अलग थलग कम्युनिटीज के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़रा कमेंट सेक्शन में आके बताएं इन डरावनी कम्युनिटीज़ के बारे में आपको जानकर कैसा लग रहा है। नंबर 4, पलवान, फिलीपींस। अब भाई, लिस्ट में एक और ऐसी जनजाति का नाम आ गया जो दुनिया में तो मौजूद है लेकिन दुनिया से रहती एकदम अलग है। जी हाँ, खबरों के अनुसार फिलीपींस के पलवान आइलैंड के सदर्न रीजन में एक कम्युनिटी रहती है जिसे पलवान लोगों के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि दोस्तों, ये अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग बाहर के कॉन्टेक्ट से पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ मौजूद पलवान लोगों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास बताई जाती है। खुद को दुनिया से अलग रखने वाले ये लोग अपना जीवन खेती करके व्यतीत करते हैं, लेकिन हाल के सालों में बताया गया कि उन्हें स्ट्रिप और ओपन पिट खनन जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे कुछ भी हो, दुनिया से अलग रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना वाकई में इन कम्युनिटीज को एक अनोखा रूप देता है। नंबर 3, मोहॉक पीपल। अब भाई, जिस समुदाय का नाम लिस्ट में आ गया है वो अब तक की सबसे अनोखी कम्युनिटी है जिसे मोहॉक समुदाय के नाम से जाना जाता है। असल में मोहॉक वालों की एक ना अलग ही बनावट होती है। इस बनावट के लोगों के बालों को कुछ अलग तरीके से सजाया जाता है, जो इंसान के सर पर खड़े हुए झाड़ियों के जैसे दिखते हैं, और इन आदिवासियों के बालों की वजह से इनका नाम मोहॉक समुदाय रखा गया। इस समुदाय के लोग बंजारी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहते हैं। बता दें, ये आदिवासी समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। वैसे तो इस समुदाय के लोग बड़ी शांति से रहना पसंद करते हैं, लेकिन बात जब उनकी ज़िंदगी पर आती है तो आक्रामक रूप लेना इनको अच्छे से आता है। बता दें, एक बार ब्रिटिश और फ्रांस सैनिकों का सामना इस समुदाय से हो गया था, तब वो लोग इस समुदाय से बुरी तरह से हार गए थे। सैनिकों से लड़ने के लिए इस समुदाय ने 2 अलग अलग आदिवासी समुदाय से संगठन किया। वैसे समुदाय की खास बात यह है कि इस समुदाय का लीडर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बन सकता है, जिसे चुनने का वोट सिर्फ महिलाएं देती हैं। नंबर 2, माशू पेरू पेरू। दोस्तों, जब बात आती है दुनिया से अलग थलग रहने वाली जनजातियों की, तो उसमें माशू पेरू नाम की इस जनजाति को भी शामिल किया जाता है, जिसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वैसे तो पेरू में लगभग 15 ऐसी जनजातियाँ मौजूद हैं जो किसी से भी संपर्क नहीं रखती। उन्हीं में सबसे खास जनजाति है माशू पेरू। बताया जाता है माशू पेरू जनजाति के लोग बाहरी दुनिया के लोगों से काफ़ी दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले अपनी जगह छोड़ने की वजह से ये लोग ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। इनकी जीवन शैली के बारे में बात की जाए तो ये लोग ट्रेडिशनल होते हैं, और अपने भोजन के लिए ये लोग शिकार करने पर, कछुए के अंडे ढूंढने पर निर्भर रहते हैं। बताया जाता है कि ये सभी कुछ समय से तेल और लकड़ी की इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से खतरों का सामना कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस समुदाय की आबादी करीब 800 से भी कम है। नंबर 1, सेंटिनलीज ट्राइब। अब भैया, बारी आती है भारत में रहने वाले एक ऐसे समुदाय की जो इस समय पूरी दुनिया से कटा हुआ है, और इसे दुनिया का इकलौता समुदाय माना जाता है जो पूरी दुनिया से अलग है। इस आदिवासी समुदाय को सेंटिनलीज ट्राइब के नाम से जाना जाता है, और ये जनजाति भारत में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के बगल में एक छोटे से आइलैंड पर रहती है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं ये बात कोई नहीं जानता। आपको बता दें, भारत की सरकार और दुनिया भर के साइंटिस्ट का मानना है कि ये समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हर इंसान अपने शुरुआती दौर को इमेजिन कर सकता है। लेकिन अफसोस, यहाँ जाकर आप ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहती है, और यहाँ जाने के लिए भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि इस समुदाय के लोग बाहरी लोगों के प्रति अपने हिंसक रूप और अपने लिए एकांत प्रिय निवासियों के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी कम्युनिटी के बारे में जानकर आपको ज़्यादा हैरानी हुई, और कौन से समुदाय का रहन सहन आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।